सबसे आशीर्वाद लिए जा रही है। थारा पति भी तो खड़ा है, आशीर्वाद कौन ही लेगी? मेरे और मेरे पति के बीच जो रिश्ता है उसमें आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पति के पांव छू या ना छू इसका फैसला मैं करूंगी। और सर, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके सर पे चेहरे पे खून। आई हेट यू राजेश। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर जाओ। दुर्गा सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द इस बार हमारे कुंवर सा यानी कि अनुराग और दुर्गा एक होने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं राजेश और दुर्गा की शादी हो जाएगी और हमारी दुर्गा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन भाई अनुराग यानी कुंवर सा के होते हुए दुर्गा के साथ इतना गलत हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आपको बता दूं कि जब से अनुराग को पता चला है कि राजेश और दुर्गा की शादी होने वाली है तब से वो बिल्कुल बौखला सा गया है और अपने एग्जाम्स को अपने को छोड़ छाड़ के इस बार कुंवर सा सीधा सीधा पहुंचने वाले हैं अपने हवेली पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जबरन हमारी दुर्गा की शादी राजेश से हो रही है, ना चाहते हुए भी उसने शादी के लिए रजामंदी दे दी है क्योंकि वो अपने कुंवर सा की जिंदगी को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती और ना चाहते हुए भी इस बार हमारी दुर्गा जो है वो राजेश से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अब एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मंडप सज चुका है, सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, दूल्हा दुल्हन यानी कि राजेश और दुर्गा जो है अपने जोड़े में रेडी हो चुके हैं और दोनों शादी के मंडप पर बैठकर शादी की रस्मों को शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच एंड मोमेंट में हमारे हीरो यानी कि हमारे कुंवर सा अनुराग की एंट्री होती है। जी हां, यहां पर अनुराग पहुंच चुका है शादी के मंडप के बीच में और इस बार अनुराग ने शादी को रोक दिया है और अनुराग बार बार अब अपनी दुर्गा से सवाल जवाब करने वाला है। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि विक्रम जो है वो दुर्गा और अनुराग को अकेले में बात करने के लिए भेजता है और यहां पर इस बार अनुराग के सवालों का सिलसिला शुरू होता है और कहीं ना कहीं इस बार भी दुर्गा जो है सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने वाली है। लेकिन भाई हमारे अनुराग को पूरा भरोसा है कि उसकी दुर्गा इतनी गलत हो ही नहीं सकती और इस बार अनुराग अपनी दुर्गा को कन्विंस करने वाला है उसके साथ भागने के लिए और कहीं ना कहीं इस बार दुर्गा कन्विंस भी हो जाती है। जी आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अनुराग अपनी दुर्गा को लेकर होने वाले हैं फरार। लेकिन अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार कुंवर सा अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं या फिर कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट।